हमीरपुर में पिछले 3 महीनों के बाद हुई हल्की बारिश से जहां किसानों के चेहरों पर रौनक दिखी है, तो लोगों ने भी सूखी ठंड से निजात मिली है। हालांकि सुबह के समय हमीरपुर में हल्के बादल ही आसमान पर दिखे थे, लेकिन कुछ समय बाद हल्की बारिश होने से तापमान में काफी गिरावट आ गई है। हमीरपुर बाजार में भी बारिश से बचने के लिए लोगों ने छाते लेकर आवाजाही की और कंपकंपाती ठंड से निजात पाने के लिए आग का सहारा लिया। किसानों का कहना है कि काफी अरसे के बाद बारिश हुई है और इससे अब गेहूं की फसल को फायदा मिलेगा। इनका कहना है कि फसलें सूखने के कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन अब पहली बारिश होने से कुछ फायदा मिलने की उम्मीद जगी है। वहीं लोगों का कहना है कि 2-3 महीनों के बाद बारिश होने से अब सूखी ठंड से निजात मिलेगी। बारिश का इंतजार था, लोग बड़े परेशान थे, आज बारिश हो रही है तो ये जो मतलब बीमारी भी हो रही है इनका भी फायदा हो जाएगा और सबसे बड़ा फायदा किसानों को होगा जो फसल के लिए अच्छा होगा। ऐसे किसानों को आधी फसल बाहर थी आधी मतलब उगने रही थी अच्छे ढंग से, तो बारिश से ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि अभी राइस पहली जो है वो काफ़ी लंबे अरसे से सितंबर के बाद बारिश हुई नहीं है, तो यहाँ पानी की भी कमी हो गई है और खेती के लिए तो सारी खेती में बारिश से ही गुजारा होता है। थोड़ी थोड़ी बारिश होने लगी है, अभी हुई है, तो लेट अस होप दैट इट रेन्स वेल एंड इट इज़ बेनिफिशियल फॉर एवरीबॉडी एज फॉर द हेल्थ इज कंसर्न, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ और बाकी खेती के लिए, इकॉनमी के लिए, सभी चीज़ के लिए बहुत अच्छी है।